हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, के सोटी को दोस्तों, ये ग्रास माइनिंग जो है इसको हर कोई ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये 100% वेरीफाइड है। ठीक है, तो इसका इंशाल्लाह प्राइस भी बहुत ज़्यादा होगा, और इसका जो मतलब आप इसको जो माइनिंग है वो भी बहुत मतलब ज़्यादा इसको कर सकते हो। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ट्विटर पर दिखाता हूँ। ठीक है, ट्विटर पर हम चलते हैं। ये उसका ट्विटर पेज है, यहाँ पे देख ले आप, इसके अभी 232 के फॉलोअर है। ठीक है, तो ये उसने जो ट्वीट किए गए, तो यहाँ पे आप आके इसको देख भी ले। ठीक है, ये अभी ये इंशाल्लाह OKX पे ये लंच होगा। तो बाइनांस ने भी इसके बारे में पोस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो बाकी जो इसका ज्वाइन करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह ज्वाइन करना है। ठीक है, तो कोई भी मिस ना करे, ये 100% वेरीफाइड है। ठीक है, तो हर कोई आके इसको ज्वाइन कर ले। और नीचे लिंक है, लिंक पे आपने क्लिक करना है, उसको उसको कॉपी करना है। ठीक है, मैं आपको तरीका बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका पड़ा है। ठीक है, तो ये लिंक जो है ना, इस तरह आपको लिंक नीचे आएगा। ठीक है, ये लिंक पे आपने क्लिक करना है, या तो आप इसको मतलब अगर उधर से कॉपी होता है इस तरह, इसको कॉपी करें। अगर कॉपी नहीं होता है, इस पे आप क्लिक करें। ठीक है, इस तरह। तो जब इस पे आप क्लिक कर ले, ठीक है, तो ये अभी आपका जो ब्राउज़र है ये क्रोम पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो क्रोम में जो है उसमें एक्सटेंशन नहीं है, तो यहाँ से आप ये लिंक जो है ये, ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करें, ये इधर से। ठीक है, ये जो कॉपी है इस पे आप इसको कॉपी करें इधर से, या आप डायरेक्ट उधर से कॉपी करें। ठीक है, तो आपने इसको जब कॉपी किया इधर से, तो इधर आप अपनी आईडी नहीं बनाई। ठीक है, तो आप वापस आ जाए, ये कीवी ब्राउज़र जो है इसको आपने डाउनलोड करना है। ठीक है, इसमें जो एक्सटेंशन होता है वो कीवी ब्राउज़र में आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, जो भी मतलब अगर कोई एप्लीकेशन हो या मेटामास्क हो, आपका जो भी चीज़ हो। ठीक है, तो ये आपने डाउनलोड करना है। नीचे आपको लिंक भी मिलेगा इसका, तो इस पे आना है। ठीक है, तो ये जब ओपन हो जाए, तो यहाँ से आपने वही जो लिंक आपने उधर से कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट करें। ठीक है, तो ये आपको लिंक आ जाएगा इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल देना है, ये अपना ईमेल दे दे, यहाँ पे यूज़र नेम दे दे, पासवर्ड दे दे, कंफर्म पासवर्ड दे दे। ये मेरा रेफरल कोड है, ये आपको आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो ये नीचे आई एग्री पे आपने क्लिक करना है, और आई एम नॉट रिबोट पे आपने क्लिक करना है। तो उधर उसका जो कैप्चा होता है उसको आप कर ले। ठीक है, तो मैं अभी कर रहा हूँ, इसमें फिल कर रहा हूँ अपना। ठीक है, तो ये मैंने अपना मतलब जीमेल डाला यहाँ पे, आप अपना जीमेल डालें, अपना यूज़र नेम डाल दें। ठीक है, कोई तो नीचे अपना पासवर्ड दे दे। तो पासवर्ड में आपने क्या क्या देना है, मतलब अपना जो एक कप का जो पहले नाम होगा उसने वो आपने कैपिटल देना है, मतलब अभी टी को आपने कैपिटल देना है एक। ठीक है, नंबर एक। और दूसरी बात, लास्ट पे आपने कोई मतलब अल्फ़ाबेट देना है। ठीक है, एक देना है, दो देना है, तीन, जो भी देना है। ठीक है, और उसमें एक अपने स्लेश वगैरह दे, ये इस तरह का जो स्लेश होता है स्लेश आप दे दे, और एट द रेट दे दे। ठीक है, तो ये भी आपने देना है उनमें से एक, ये जो मैंने दिया हुआ है ये आप देख ले यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह। तो उसके बाद आपने फिर ये आई एग्री और ये आई एम नॉट रिबूट पे क्लिक करना है, तो आपने आगे जाना है इस पे। ठीक है, तो ये जब कैप्चा पे मैंने क्लिक किया, तो अभी मुझे कह रहा है मोटरसाइकिल, यहाँ पे जो मोटरसाइकिल है ये, इसको आप फिल करें, तो सारा ये नेक्स्ट पे आप क्लिक करें। ठीक है, ये फिर मुझे ट्रैफिक लाइट का कह रहा है, ट्रैफिक लाइट, तो ये आपने, तो ये मेरा वेरीफाई हुआ। ठीक है, तो आपने ये रजिस्टर जो इस पे क्लिक करना है नीचे इस पे। ठीक है, ये कोई एरर आ रहा है अभी इसमें, आपको इस तरह अगर कोई एरर आएगा इस पे, तो एरर को आपने फिर इस पे दोबारा करना है। ठीक है, कभी कभार इस पे एरर होता है, तो आपने इस पे दोबारा क्लिक करना है, रजिस्टर पे आप क्लिक करें।
ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, तो मतलब आपका अभी इस पे बन गया अकाउंट, तो ये इस वजह से यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट ये लॉगिन जो है, ये लॉगिन पे आपने क्लिक करना है, ठीक है, इसको फिर आपने छोड़ना है। लॉगिन पे आप क्लिक करें तो ये सेव पासवर्ड पे आप क्लिक करें, सेव करें इसको, तो यहाँ पे अपना ये देखो अभी डायरेक्ट आया मेरा, ये देखिए ये, ठीक है। तो आपने इस पे क्लिक करना है, आपने जब उसको पासवर्ड दिया तो ये नीचे जो ऑप्शन है यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। थोड़ा सा इस पे एरर होता है, ये एरर की वजह से इस तरह कर रहा है, ठीक है। तो आपने इसको रिफ्रेश करना है दोबारा, ये इस वजह से, ये देखो अभी ये मतलब अभी ऑन हुआ, ठीक है। ये यहाँ पे आप ऊपर अगर आप क्लिक करें तो ये देखें मेरा ईमेल और यूज़र नेम सब कुछ आया यहाँ पे। तो आपने बैक आना है इसमें, मतलब आपने माइनिंग किस तरह अभी स्टार्ट करना है, तो ये कनेक्ट जो है इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। कनेक्ट इस पर आप क्लिक करें तो ये सिर्फ कीवी ब्राउज़र जो है उधर, ये आपका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है, ठीक है। ये अभी देखे इसने मुझे मतलब कंप्यूटर व्यू का जो है उसने मुझे चार्ट दिखाया। तो आपने ये एड टू क्रोम पे आपने क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है, ये एड टू क्रोम इस पर क्लिक करें तो ये ओके पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो ये एड टू क्रोम, ये देखो अभी क्या कह रहा है मुझे, रिमूव फ्रॉम क्रोम, क्योंकि अभी मेरा हुआ एड टू क्रोम। तो अभी ये थ्री डॉट पे अगर आप क्लिक करें ऊपर ये, ठीक है, इस पर तो नीचे आ जाए, ये देखे ग्रास एक्सटेंशन मेरा एड हुआ इसमें, ये देखें, ठीक है। इस तरह आपका इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पीसी पे कर रहे हो ना तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, पीसी में तो ये डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे लिंक को अगर आप पीसी पे कर रहे हो, ये तो मैं मोबाइल पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ग्रास एक्सटेंशन पे आपने क्लिक करना है यहाँ पे, तो ये लॉगिन पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट उधर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो अभी ये हो गया लॉगिन, ठीक है। तो आपने फिर उस पर जाना है, ये ग्रास एक्सटेंशन पे क्लिक करें तो ये अभी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी जो आपका नेट है वो जब आप उसको उसका जो इस्तेमाल होगा ना तो उससे आपका यहाँ पे माइनिंग होगा। तो अगर ये इस तरह एरर आ रहा है इस पर, ठीक है, तो ये जो थ्री डॉट है इस पर आपने क्लिक करना है, तो ये रिकनेक्टेड इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। इस तरह बार बार इस पर क्लिक करें कि ये स्टार्ट हो जाए यहाँ पे। पहले ये थोड़ा सा लोड लेता है, जब आप पहले इसको स्टार्ट करोगे तो ये थोड़ा सा लोड लेगा, ठीक है। तो आपने इस पर दोबारा रिकनेक्टेड भी आपने क्लिक करना है, ये देखो अभी वही मसला आ रहा है, तो ये आ जाएगा। तो अभी मैं अच्छा बाकी मैं अभी चलता हूँ, जो मेरा मेन अकाउंट है उस पर आपको मैं समझाता हूँ आपने क्या क्या करना है, ठीक है। तो ये मेरा मेन अकाउंट है, ठीक है, यहाँ पे आप देख लें इसको, ये मेरे अकाउंट का जो है मेन, यहाँ पे अगर आप आ जाए डैशबोर्ड पे अभी, ठीक है, तो अगर रेफरल पे आ जाए, ये रेफरल प्रोग्राम, इस पर अगर आप क्लिक करें, ठीक है, तो अभी ये आप देख रहे हो ऊपर मेरा जो रेफरल है एक ही, ठीक है, और ये पूछ थ्री रेफरल जो है वो मेरे अभी इधर पड़े हैं, ठीक है, ये पेंटिंग पे पड़े, पेंटिंग पे आप देख ले तीन है मेरे, ठीक है। तो इस पर अगर आप क्लिक करें यहाँ पे, तो ये अभी मुझे क्या कह रहा है कि रेफरल जो है मेरे वो जब इस पर 100 खबर पूरे करें, ठीक है, तो इस पर माइनिंग करें तो उसके बाद उसके मतलब जो पॉइंट हो गए वो मुझे मिलेंगे, ठीक है। तो तब ये जो मेरे तीन अभी रेफरल ये वाले, इसमें अगर ये तीन के तीन ये पूरा करे तो यहाँ पे मेरे टोटल 4 हो जाएंगे, अगर एक पूरा करे तो यहाँ पे 2 हो जाएगी। इस तरह आप भी इस पर अगर रेफरल जब बनाए तो उसने भी इस पर काम करना है, ठीक है, इस पर मतलब उसने स्टार्ट करना है इस तरह। तो ये देखिए यहाँ पे बाकी इसका जो रिवार्ड होगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आप इसको भी क्लेम कर सकते हो उसको, ठीक है। और रेफर पे ये जो रैंक है आपका, ठीक है, ये रैंक है इसमें, ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे, तो रैंक के लिए ये आयरन का देखे, ये तो हर किसी का होता है, कोई इसको ऑन करे, फिर ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटोनियम है, ठीक है। तो इससे आगे और भी ये नेक्स्ट पे अगर आप यहाँ पे देख लें, ये देखे नीचे ये सारे रैंक है, ठीक है। तो इसको आपने किस तरह बढ़ाना है, इस पर रैंक को अगर आप बढ़ाएँ तो आपको इस पर भी पॉइंट मिलेंगे ज़्यादा, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पे देख लें आप, इसका देखें 0 पॉइंट हो, मतलब 0 पॉइंट हो आपके, सिर्फ आप इसको ऑन करें तो आपका ये आयरन होगा, ठीक है, और 0 रेफरल, ठीक है।
तो इसको देखिए, यहाँ पे इसमें बताया गया है कि आपके अगर 373 पॉइंट हो या आपके 6 रेफर हो, ठीक है, तो आप इस पे आओगे, ठीक है। तो इस तरह आप आगे देखें, ये इस यहाँ पे क्या लिखा है कि 2595 पॉइंट हो आपके या 11 आपके रेफर हो तो आपको ये मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखें इसका कि मतलब आपके पास इतने पॉइंट हो, ऊपर जो लिखा है 11351 पॉइंट हो या आपके 17 रेफरल हो तो आपको ये पॉइंट मिलेगा इनसे, ठीक है, फ्री में। ये ऊपर आप देख लें, तो इस पर इस तरह आप कर सकते हो, सही है। बाकी आप ये रिवार्ड पे आ जाए, तो ये अभी पहले इसका अल्फ़ा था, ठीक है, ये अल्फ़ा, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे अगर आप देख लें, पहले जब ये स्टार्ट हुआ था ये अल्फ़ा पे था, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने जो सिस्टम अभी स्टार्ट किया है इपोच वाला, ठीक है, ये एक इपोच 1, इपोच 2, इपोच 3 करंट जो अभी शुरू हुई, ठीक है। तो ये देखिए उस पर जो मैंने काम किया हुआ है, ठीक है, वन इज़ देन, वन इज़ हावर 22 मिनट, ठीक है। तो उस पर मुझे क्या मिला है, यहाँ पे आप देख ले, पहले जो अल्फ़ा वाला देख ले, ये 1655 पॉइंट मुझे मिले, फिर उसका जो इपच 1 पे मुझे मिले 3480 के मुझे मिले, ठीक है। तो इपच 3 पे जो मुझे मिले गए ये 29.99 के, ठीक है। और रेफरल का जो ये ऊपर देखे रेफरल, उसके मुझे मिले 1600 पॉइंट। तो अभी जो इपच 3 मतलब वो स्टार्ट है, एक दिन इसका हुआ है, एक दिन 6 आवर, ठीक है। तो मैंने जो खुद यहाँ पे मुझे मिले पॉइंट अभी तक 2266 और रेफर से मुझे अभी तक नहीं आई, ठीक है। तो ये अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, मतलब इसका इपच 3 अभी स्टार्ट है, तो इपच 4, 5 इसका कोई पता नहीं चलता है, आगे भी ये आ जा सकता है, ठीक है। तो हर किसी ने ज्वाइन करना है, तो इसका जो ये डैशबोर्ड पे अगर आप आ जाए, तो ये मेरा इसमें जो मेरा है अभी देख लीजिए, ठीक है। मतलब अगर मैं इस पे, तो मैं हर वक्त काम भी नहीं करता हूँ, मैं ऑन भी नहीं करता हूँ ज़्यादा, तो कभी कभार मैं ऑन कर देता हूँ। ये देख लीजिए यहाँ पे, ये 18 फरवरी को मुझे कितने पॉइंट है, 2.6 के मिले, क्योंकि मैंने उस दिन ज़्यादा किया था। वो 19 फरवरी को मुझे कितने, 4.4 के। ये इस तरह पर आ जाइए आप 20 पे, इस तरह देख लें इसको, ये मेरा चार्ट देख ले आप। तो ये 6 मार्च पे फिर मुझे 1.6 मतलब जो मुझे ज़्यादा बन आए, तो ये पिछले जो है 13 मार्च पे अभी कल, ठीक है, अभी तो 2 बजे, अभी तो 14 मार्च है, तो उसके जो मुझे आए हैं 1.2 के, ठीक है, क्योंकि कल से मैंने फिर इसको ऑन किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो रेफरल वाले आपको मिलते, ये देखिए इसका इसका जो कलर है, ये देखिए इसका कलर, देखिए इसका कलर देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेटवर्क अर्निंग जो आप कर रहे हो रेफरल्स, ठीक है, उसका जो कलर है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप आ जाइए, ठीक है, ये अभी ये तो मेरा देखिए मेरा अपना ये है। तो आपका इसका मज़ा ये है एक कि मतलब आपने अभी इस पर अकाउंट बनाए, तो आपने इस ये जो आपकी आईडी है जीमेल वगैरह, ये एड नेटवर्क पे अगर आप क्लिक करें, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट क्रोम पे या किसी दूसरे मोबाइल पे, अभी ये कमिंग सोन में इसका जो मतलब ये क्यूआर कोड है ये भी आ जाएगा, जिस तरह व्हाट्सएप आ रखा है कि आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो आपने इसको अगर अभी ये मेरा मोबाइल है, इस पर मैंने इसको ऑन किया हुआ है, तो घर में आपके भाई के पास या किसी के पास या दूसरा दोस्त हो किसी के पास भी वो जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, तो आप सिर्फ उसका मतलब ये कीवी ब्राउज़र वहाँ पे उसके मोबाइल में इंस्टॉल कर ले और अपनी आईडी वहाँ पे भी ऑन कर ले, तो उससे भी आपको माइनिंग होगा, डबल आपका होगा, ट्रिपल होगा, जितने भी आप कर सकते हो। कनेक्ट मोरो नेटवर्क टू अर्न मोरो, ठीक है, ये देखो नीचे जो इसने लेकर गया है। तो मतलब आप अगर इसको 100 मोबाइल पे भी ऑन कर ले, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, तो आपको उससे भी मतलब हर मोबाइल से आपको मुनाफा जो है, हर मोबाइल से आपको इसका जो है पॉइंट आप इससे ज़्यादा अर्न करोगे, ठीक है। तो इस तरह अगर आपके कोई दोस्त हो तो उसके मोबाइल में सिर्फ ऑन करो इसको, और अपना ये अपना जो ईमेल है वहाँ पे सिर्फ इस पर लॉग इन हो जाए, उसके मोबाइल पे नहीं, सिर्फ उसमें जो ये एप्लीकेशन है, जिस तरह ये पहले जो मैंने किया हुआ है लॉग इन, इस तरह उस पर हो जाए और स्टार्ट करे उस पर, फिर वो जब भी मोबाइल इस्तेमाल करता है नेट, तो उससे भी आपको जो है ना माइनिंग आएगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरह मतलब यहाँ पे भी ये दिखाई देता है, ठीक है। तो इस पे आप अभी खुद देख ले, मैंने मतलब एक एक ही दिन में मैंने इतने
की हो ये, अगर आप इस पे अच्छी तरह काम कर ले तो आप एक दिन में मतलब इस पे 2-3 हज़ार भी पॉइंट जो है उसको अर्न कर सकते हो। और इसका जो पॉइंट होगा उसका जो रेट होगा तकरीबन इसका रेट जो होगा 0.01, इधर इधर से ये स्टार्ट स्टार्ट होगा ठीक। तो इसका रेट भी इतना होगा, तो आप अभी खुद ही अंदाज़ा लगाए कि अभी। अच्छा तो ये इस तरह जब आपके पास आ जाएगा, ये अभी देख रहे मिला, ये डिस्कनेक्टेड है ठीक है। तो ये मैंने किया ही है इसलिए कि आपको मैं दिखा दूँ ठीक है। अगर इस तरह आपका होगा तो आपने ये ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है ठीक है। इस पर आप क्लिक करें तो ये नीचे जो है एडवांस सेटिंग, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये पुश शेयरिंग पे आपने क्लिक करना है ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए अभी 10 मिनट्स आपने इस पर आना है, ये वन डे पे करना है। तो ये सेव करना है ठीक है। ये देखिए अभी ये मेरा सेव हुआ ना, तो फिर आपने जाना है ये ग्रास एक्सटेंशन पे ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये मेरा अभी ये देखो कनेक्ट का ये जो है ना कनेक्ट, इस पर क्लिक करना है। तो सेटिंग हैज बीन सेव ठीक है। तो ये अभी देख लें आप। तो ये मसला अगर आपको आए तो फिर से आप ये ऊपर जो आपका मतलब नाम लिखा है इस पर आपने क्लिक करना है, इसको रिकनेक्टेड करना है ठीक है। तो ये इस तरह स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी कभी कभार आपका अगर नेट स्लो हो तो कोई हो इसमें, ये अगर स्टार्ट नहीं होता है तो फिर से आपने इस पर रिकनेक्टेड करना है ठीक है। इस तरह अगर फिर भी नहीं करता है फिर करना है ठीक है, बार बार इस पर करना है ठीक है। तो इस तरह आप इस पर काम कर ले, इंशाल्लाह इससे आपको और हमें सबको जो है इससे प्रॉफिट अच्छा आएगा ठीक है। तो ये अभी मैंने स्टार्ट किया अभी तक ये आफ्ता ठीक है। मैंने सोचा पहले मैं ये वीडियो बना लूँ तो उसे मैं स्टार्ट कर लूँ। और बाकी कोई मसला हो या इसके बारे में कोई अपडेट हो, अगर आपके पास कोई अपडेट हो तो नीचे जो मेरा व्हाट्सअप है ग्रुप है उस पर आप उसको भेजा करो, या कोई क्योंकि मैं भी खुद काम कर रहा हूँ, काम पे होता हूँ, तो फिर मैं इस तरह इलाके में होता हूँ वजीरस्तान में कि वहाँ पे नेट का इशू होता है, तो मैं ज़्यादातर तो इस पर टाइम भी नहीं देता हूँ। तो आप उधर ग्रुप पे जो जितने भी बंदे तो कोई भी अपडेट हो इसके बारे में तो वहाँ पर दिया करो ठीक है। बाकी इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा किसी को, क्योंकि ये ग्रुप मैंने इसलिए बनाया है कि हर कोई यहाँ पे किसी के पास भी अपडेट हो तो वहाँ से आप इस तरह कर ले। अगर आपके मतलब रेफरल है कम है तो वहाँ से किसी को ऐड करें, या आपस में जो है आपस में एक दूसरे का हेल्प किया करें। मुझे रेफरल बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये नहीं कि मैं इसलिए आपको मतलब कह रहा हूँ, मुझे अगर रेफरल ना भी मिले मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन कम अज़ कम अगर मुझे 10 यहाँ पर मिलते हैं रेफरल ठीक है, तो उससे अच्छा है कि मुझे 1-2-3 मिले और जो बाकी बंदे वो आपस में रेफरल बनाए एक दूसरे को ठीक है। कम से कम एक एक रेफरल तो हर किसी ने बनाना है।